हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हैशिंग में हैशिंग के बारे में पहले हमने जाना था कैसे हैशिंग वर्क करती है, ठीक है, कैसे हैशिंग से हम इज़ अ एफिशिएंट वे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हैश फंक्शन क्या होते हैं, और हैशिंग में हमने ये भी देखा था कि जब कोलिजन होता है तो उसकी रिजॉल्व करने की दो टेक्निक्स होती हैं। एक होती है चेनिंग, जिसके बारे में अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, और दूसरी होती है ओपन एड्रेसिंग, वो मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं चेनिंग, यार चेनिंग होता क्या है, ठीक है, और हम इसको बोलते हैं सेपरेट चेनिंग। तो देखो यार, सबसे पहले ना इसके बारे में समझते हैं क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी पहले। इन दिस टेक्निक ईच सेल ऑफ हैश टेबल पॉइंट टू अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैव द सेम हैश वैल्यू फंक्शन वैल्यू। एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, अभी आपको इस समझ अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो, सपोज कि हमारे पास एक हैश फंक्शन है ये वाला एच ऑफ एक्स एक्स मॉड डी। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये जो है आईडी, आईडी होती है जैसे रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर हो गया, या फिर क्या कहते हैं इसे हम, फोन नंबर हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम प्राइम नंबर यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो देखो अब मेरे पास ना जैसे ये हैश टेबल है, ठीक है, ये मेरे पास हैश टेबल है। पहले हमारा क्या था, पहले एक हमारा हैशिंग टेक्निक हम दो यूज़ करते थे, यहाँ पे हम की रखते थे और एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। अब हमने हैश फंक्शन के थ्रू अब हैशिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारी एक सिंगल एक लिस्ट बनती है, जिसमें हमारे ये इंडेक्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है। ओके, सपोज देखते हैं, अब यहाँ पे आके हम देखते हैं क्या होता है, अच्छे से समझते हैं इसको। देखो, सपोज कि हमारा ये फंक्शन है, ये एक्स है और ये है मॉड्स 7। ऑलराइट, हम इससे हैश फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं, पहले वैल्यू क्या होगी, एच ऑफ 56। ऑलराइट, इसकी आई वैल्यू 56 मॉड 7। सपोज कि इसका आंसर आया मेरा 1। सपोज, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि ये सही है या नहीं, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, ठीक है, 7 आया इसका एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, 1 एड्रेस पे जाके ये जो वैल्यू है ना इसको जाके स्टोर कर दूंगा। ओके, इतनी बात समझ आई आपको। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये है हमारा 780, 780 मॉड 7 किया मैंने, इसका आंसर आया सपोज कि 4, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 की तरफ जाऊंगा और ये जो वैल्यू है मेरी यहाँ पे जाके स्टोर कर दूंगा। कितना हो गया ये, 480। ओके, अब मैंने एक और लिया, जैसे कि 70, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 86 लेता हूँ, ठीक है, 86 लिया मैंने, 86 मॉड 7 किया, इसका आंसर आया 4। देखो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, ये देखता है कि यहाँ पे भाई पहले से ही ऑक्यूपाइड है स्पेस, ये जो ब्लॉक है। अब क्या करें, दोनों का इंडेक्स सेम है, अब क्या करना है, ये क्या करेगा, अब एक लिंक लिस्ट लेगा, इसको देखते हैं समझते हैं क्या करेगा ये, एक लिंक लिस्ट, मतलब दिस एलिमेंट इज पॉइंटिंग टू अ लिंक लिस्ट, एक एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट का एक एलिमेंट होगा ये जिसमें हमारी 86 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये सेपरेट चेनिंग का अब आपको कंसेप्ट समझ आएगा, क्या होता है सेपरेट चेनिंग। इन दिस टेक्निक ईच सेल ऑफ हैश टेबल पॉइंटिंग टू अ लिंक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैव सेम हैश फंक्शन वैल्यू। क्या मतलब होता है, सेम हैश फंक्शन वैल्यू, ठीक है, एंड पॉइंटिंग टू अ लिंक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये क्या हो रहा है, हमारा लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसको और अच्छे से समझते हैं, अगर सपोज कि 93 आ गया मेरा, 93 मॉड 7, अगर मेरा 4 फिर से आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखा खाली नहीं है, ठीक है, यहां पे देखा खाली नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक और इसको भी पॉइंट करके 93 कर देगा। अब आपको समझ आया क्या होता है सेपरेट चेनिंग।
सेपरेट चेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो आपको ये समझ आ गया होगा अब कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो देखो यार, ये होते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले क्या आता है हमारा एडवांटेज देखते हैं, इट इज ईजी टू इम्प्लीमेंट। सबसे आसान तरीका है, क्या करना है हमें, एक रिकॉर्ड है जी और हम एक एलिमेंट है उसके आगे लिंक लिस्ट लगा दो, तो हम सेम वैल्यू, सेम हैश वैल्यू की जो हमारी जो वैल्यू आई है, सेम हैश वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक लिंक लिस्ट मेंटेन कर देंगे। सो इट इज ईजी टू इम्प्लीमेंट। ओके, एक और चीज देखते हैं, हैश टेबल नेवर फिल अप, वी कैन ऑलवेज एड मोर एलिमेंट्स टू द चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हैश फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक हैश टेबल लिया 1 2 3 4, ठीक है, सपोज 5 6, ये मैंने 7 का एक हैश टेबल ले लिया, ठीक है। तो क्या है कि हमारी जो जो मॉड करके, जैसे एक्स मॉड मैंने अगर किया 7, ठीक है, तो मेरी इस टेबल में मैं कितने भी रिकॉर्ड डाल सकता हूं, कितने भी रिकॉर्ड डाल सकता हूं, क्योंकि देखो अगर सेम भी वैल्यू आ रही है तो मेरे को बस क्या करना है, लिंक लिस्ट मेंटेन कर देनी है। तो आई कैन फिल अप एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी कैन ऑलवेज एड मोर एलिमेंट्स टू द चेन। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है इसका। अब दूसरा, तीसरा देखते हैं हम, लेस सेंसिटिव टू द हैश फंक्शन, लेस सेंसिटिव होता है ये हैश फंक्शन, जो हमारी सेंसिटिविटी होती है हैश फंक्शन की, इट इज वेरी लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स अ हैश फंक्शन। चौथा देखते हैं, इट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन इट इज अननोन दैट हाउ मेनी कीज आर टू बी इंसर्टेड। ये हमारा सेकेंड वाले को रिजेंबल कर रहा है। क्या कहते हैं, हमने अभी यहाँ पे ये चीज देखी थी कि एक मेंटेन किया हमने रिकॉर्ड। अब जैसे ना यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड अगर मैं लेता हूँ, यूनिवर्सिटी का अगर मैं, जैसे यही वाला मैंने यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड लिया, तो मेरे को क्या करना, मेरे को पता तो है नहीं, जब एडमिशन के टाइम पे बच्चे आते हैं तो हमें ये थोड़ी ना पता होता है कि कितने बच्चे आने वाले हैं, ओके, और हमें यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे डिलीट करने हैं एट द एंड ऑफ द कॉलेज, क्योंकि कईयों का रिपीट होता है, केस होते हैं बहुत सारे। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इट इज बेस्ट सूटेड इन दिस मैनर। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देके ये समझा सकते हैं कि इन यूनिवर्सिटी वी कैन नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टू बी एडमिटेड इन दिस ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स और नॉट। ऑलराइट, तो ये आपको अब समझ आ गया होगा कि हाउ मोस्ट ऑफ, मतलब इट इज मोस्टली यूज व्हेन इट इज अननोन दैट हाउ मेनी कीज आर टू बी इंसर्टेड और डिलीटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेपरेट चेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये वाला। ओके, अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज।